आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Oppo F25 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन होता है, इस पावर बटन को दबाए बिना आप अपने फोन को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन के पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का ना सेटिंग पेज आपको ओपन करना है। मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन कर लीजिए, ये वाला। इस पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की साइड में, ये एडिशनल सेटिंग, एडिशनल सेटिंग पे टैप करना है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी पे टैप करेंगे। अब आपको एक्सेसिबिलिटी के इस पेज में नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का, एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे टैप करना है तो आपका ये पेज आएगा। इस पेज में आपको ना ये जो ऑप्शन है शॉर्टकट का, शॉर्टकट के सामने जो बटन है इसे टैप करना है, आपका एक पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको इसे ओके करना है, ठीक है। तो ओके करेंगे तो आपका ये बटन जो है ना ऑन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये बटन ऑन होता है तो आपके मोबाइल फोन के सबसे नीचे देखिए एक ये बटन ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन में ये ह्यूमन टैप का ये बटन ऐड हो जाता है जैसे ये बटन चालू होता है, ठीक है। तो ये बटन जो है ना, जो ऐड हो गया ये बटन, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे सब जगह दिखाई देगा, आप देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अब करना क्या, इस बटन को ह्यूमन टैप का जो बटन ऐड हो गया ना, इसे आपको एक बार सिंगल टैप करना है, ठीक है। आपका इस तरीके से छोटा सा पेज ओपन होगा। इस पेज को आप ना लेफ्ट और राइट ऐसे स्लाइड कर सकते हैं, इनमें काफी सारे ऑप्शन है, वैसे तो सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें ये पावर का बटन है, पावर का ये बटन आपको टैप करना है, ठीक है। अब आपका इस तरीके से छोटा सा ये पेज आता है। इसमें देखिए बीच वाला जो व्हाइट कलर का बटन है ना, व्हाइट वाले बटन को 1 सेकंड या 2 सेकंड आपको दबा के रखना है, उंगली से दबा के रखना है और इसे ऊपर की साइड जो रीस्टार्ट की तरफ आपको सरका देना है इस बटन को, ठीक है। इससे आपका फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है मोबाइल फोन के साइड वाला जो पावर बटन को दबाए बिना फोन को रीस्टार्ट करने का तरीका, ये मैंने आपको जो बताया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो इस सेटिंग का आप अपने फोन में जरूर यूज करके देखिएगा, ठीक है ना।